लाहौर की गलियां, ये लाहौर है पंजाब का दिल, जिसके जिक्र पर आंखें चमक उठती हैं, दिल धड़क उठते हैं। लाहौर का ख्याल आते ही ये खूबसूरत तस्वीर आंखों के सामने नाचने लगती है। इस खूबसूरती का राज यहां की बुलंद इमारतें या पुरफजा बाग नहीं, बल्कि यहां के पास ही थे। हमारी कहानी इस शहर के एक छोटे से घराने से ताल्लुक रखती है। ये एक सच्चा वाका है, लेकिन नाम फर्जी है। मैं पता लगा छोड़ूंगा कि पिताजी रात के अंधेरे में हर रोज कहां जाते हैं। रात का अंधेरा आदमी के गुनाहों पर पर्दा डाल देता है, स्याही स्याही को अपने दामन में छुपा लेती है। लेकिन कब तक?
याद है वो दिन जब हम इस पीपल के छांव तले पहली बार मिले थे? तुम्हारी आंखों में उस दिन एक अजीब मस्ती थी, कुछ ना कहने पर भी इन आंखों ने बहुत कुछ कह दिया था। उस दिन यहां बैठे बैठे पता ही नहीं चला कब दोपहर हो गई, कब शाम ढलकी और कब आकाश पर सितारे बिखर गए। ये पीपल का दरख्त हमारी मोहब्बत का राजदार है। ये क्या हो गया है तुम्हें? इतनी बातें बनाना कहां से सीख ली? तुम्हारी आंखों ने ही मुझे सब कुछ सिखा दिया है। मैं मोहब्बत और प्यार को पागलपन समझता था, लेकिन जब से इन आंखों को देखा है मोहब्बत और प्यार के सिवाय दुनिया में और कोई चीज नजर नहीं आती। छोड़ो जी, हर वक्त मोहब्बत का ही रोना, आखिर ये है किस बला का नाम? ये समझाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। रग रग में कोई चीज तूफान बन के मचल रही है। न जाने क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तो कैसे समझाऊं? अच्छा, तो ये गीत है जो आंखों से लिखा जाता है और दिल के साज पे गाया जाता है। एक दिल के साज पर? नहीं, दो दिलों के साज पर। हमारे प्यार की तुम्हें जमा रहे।
खाना रांधने वाले हमारी जान हाजिर है। वो मरा। लाओ भी एक एक आना। करो जेबे ढीली अपनी। हाँ ला। हाँ है कोई सुरमा और जो आए मैदान में? बस आज ही बच्चों के मुंह लग रहे हो, मर्द हो तो हमारे साथ खेलो। ना भाई, हम घाटे का सौदा नहीं करते। क्यों किसी की रोजी में टांग अड़ाते हो? जाओ अपना रास्ता नापो, जाओ। अच्छा धंधा पकड़ा। अरे जा यार, नमस्ते। देव भैया, भैया घर चलो, माँ बुला रही है। अरे किशन यार, जरा सबर करना, अभी तो बाजी का रंग जमा है, बस दो मिनट और। हाँ। ये ले 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 ले, एक आना तू भी ले। हाँ। देव, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, दिल बहला रहे हैं। शर्म नहीं आती इन छोटे छोटे बच्चों से पैसे छीनते हुए तुम? अरे छीनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो हाथ की करामात है, हाथ की। अब घर चलोगे या कुछ और सुनाओ? अरे जा, बड़ा आया सुनाने वाला, शर्म नहीं आती, बड़े भाइयों को आंखें दिखाता है। अच्छा दोस्तों भाई, अब तो चलते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, एन वक्त पे पहुंच जाइएगा। हाँ जाइए, आंखें दिखाना, चल चल। भगवान को हमसे दुश्मन है, इतने दिनों से आप बेकार फिर रहे हैं, आमदनी की कोई सूरत नहीं, ऊपर से औलाद मिली है वो भी निकम्मी। अब जो कुछ किस्मत लिखा है उसे कौन मिटा सकता है? जैसी रूखी सूखी मिल रही है उसे ही गनीमत समझो। लेकिन कर्ज ले लेकर कब तक गुजारा करेंगे? आपके दोस्त भी तो कर्ज दे देकर तंग आ गए होंगे। तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे दोस्त मुझे धोखा नहीं देते, ये मुझे कभी इनकार नहीं करते। अगर ऐसी ही बात है तो किसी से कह सुनकर देव को नौकरी पर ही लगवा दो। देव अगर किसी काबिल होता तो रोना किस बात का था? ऐसा ना कहिए पिताजी, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं उठा रखी, लेकिन कोई अच्छी नौकरी ही नहीं मिलती। अभी अभी गली में थानेदार साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने उम्मीद दिलाई। जब देखो जमीन आसमान की हदें मिलाते रहते हो, झूठ क्यों बोलते हो? तुम तो गली में जुआ खेल रहे थे। देखा पिताजी, इसकी मेरी तो जन्म जन्म दुश्मनी है, जब देखो मेरी शिकायत कर रहा है। ठीक तो कहता है, आखिर तुमने कौन सा तीर मार दिया? मुझसे छिपाकर माँ से रुपया बटोर लेते हो और जाकर शराब की नजर कर देते हो। वो तो पिताजी मैंने कब से छोड़ रखी है। छोड़ रखी है तो कल रात गली में कौन औंधा पड़ा हुआ था? जिसे देखो मेरे खिलाफ है, मैं बाप से क्या कहूँ? वो घर की चीजें नहीं चुराता। नहीं पिताजी, वो सब कुछ कर लेता है, माँ ने तो उसे सर पे चढ़ा रखा है, दुनिया भर का कर्जा देना है उसने। और उधर कर्ज माँ की चूड़ी से चुकाया जा रहा था। ए भाई, उधर देखो साहब क्या मांगता है। मैनेजर साहब, ये लीजिए, इसकी कीमत डाल लीजिए, परसों का बिल काट कर बाकी मेरे हिसाब में जमा कर दो। इसके 50 रुपए होंगे, सोच लो। सोच ले। अरे भाई बहुत है आज के लिए। मैनेजर तुम जानो हम ठहरे रईस ज़ादे, कई 50 आए और चले गए, कौन परवाह करता है। देवदास राजा। अरे कौन पूरन चंद जी, सुना मेरे यार क्या हाल है? हेलो हेलो हेलो। देवदास राजा, बस तुम्हारी कमी यार, तुम्हारे बगैर तो महफिल ही छूनी पड़ी जाती। अरे मेरे पूरन यार, तेरी मोहब्बत के तो हम गुलाम है, मोहब्बत ना करते बड़ा काम करते, मोहब्बत से लेकिन बड़ा काम क्या है। अरे अरे पंडित जी, पंडित जी आप आज कहाँ? संभल कर महफिल रिंदा में तुम रखना कदम पंडित, यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैखाना कहते हैं। अरे जंग बहादुर तुम शरबत पी रहे हो? अरे छोड़ो मेरे यार, लुत्फ मैं तुमसे क्या कहूँ, जाहिर अरे कम्बा तुमने तो कभी पी ही नहीं। अभी लो जी मैनेजर साहेब। लानत है इस शराब पर, खून पसीने की कमाई खा जाती है। तुम सब मुजरिम हो, तुम पागल हो जो बीवी बच्चों का पेट काट कर शराब में रुपया लुटाते हो। भाई लोग आंखें खोलो, ठंडे दिल से
बर्फ में लगे हुए दिल से सोचो कि ये अंगूर की बेटी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। सच कहता हूँ, खून को पानी बना रही है। भाई लोग, तुम दौलत देकर जहर पी रहे हो। चुप रहो, हमारा धंधा क्यों खराब कर रहे हो? अबे चपड़ कंचू, अगर जुबान खोली तो सर बोतल में घुसेड़ दूंगा। हाँ तो भाई लोग, मैं क्या कह रहा था कि तुम दौलत देकर जहर पी रहे हो। भाई लोग, मेरी मानो, ये बुरी आदत को छोड़ दो। सच कहता हूँ, इस आदत को छोड़ दो तो मौत को जिंदगी समझ कर पी रहे हो। और साहब, आपने क्या अमृत पी रखा है? मेरे दोस्त, पी मैंने भी शराब है, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि ये गुनाह है, पाप है। आज से मैंने तौबा की। तौबा, तौबा। भाई लोग, तुम भी मेरे साथ तौबा करो, करो तौबा, 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 तौबा। बॉय भाई, अबे ठहरो ठहरो, क्या करते हो? पैसे दिए हैं, कोई धागा नहीं डाला है। अच्छा भाई लोग, अब तो चलते हैं महकते से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। भाई देखो, फूल सा बदन है, जरा आराम से है मिलना आगे। ये रुपए कहाँ से आए? कौन से रुपए? अलमारी में रखे थे। तुम्हारे पिताजी ने रखे होंगे। पिताजी कहाँ से लेके आए? किसी से कर्ज लाए होंगे। क्या सुबह सवेरे झगड़ा शुरू कर दिया है? रुपए रुपए, रुपए के सिवा और कोई बात ही नहीं। तुम चुप रहो जी। माँ ये बताओ, ये रुपए कहाँ से आए? तुम्हें पूछने का हक क्या है? आखिर मैं भी कमाता हूँ, मेरी कमाई से बचा के रखे होंगे। तुम नहीं कमाते तो ये समझते हो कि घर का घर ही बेकार है। तुम्हें फीस लेने से काम है, लो और जाओ। मैं खूब जानता हूँ जितना तुम कमाते हो। पिताजी, पिताजी जरा उठे। भैया, इतनी जल्दी क्या है? सोकर उठेंगे तो पूछ लेना। पिताजी, पिताजी, क्या बात है बेटा? अलमारी में रुपए आपने रखे? हाँ, क्या चोरी हो गए? नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये कहाँ से लेके आए? क्या पूछते हो बेटा? तुम्हारे ही लिए लेकर आया हूँ। तुम्हें कॉलेज की फीस देनी थी ना। महीने तुम्हारा इम्तिहान खत्म हो रहा है, इसके बाद तुम कॉलेज छोड़ देना। ये क्या माँ, बीए तो पास कर लूँ, एसए से क्या बनेगा? अब काफी पढ़ाई हो चुकी, तुमने कौन सा बीए करके नौकरी करनी है? फिर भी बीए तक पढ़ लेना अच्छा होता है।
अरे अब छोड़ दे कॉलेज की पढ़ाई, अब पति के घर जाके पढ़ लेना। माँ कैसी बातें करती हो, मजाक तो नहीं कर रही। सोच रही हूँ कि अब तुम्हारे हाथ पीले कर दूँ ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। लड़का तो मैंने ढूंढ लिया है, जानती हो वो कौन है? मैं क्या जानू, जानती तो सब कुछ हो, वो है चमन। क्यों? माँ मैं जाती हूँ, तुमने तो तंग करना शुरू कर दिया। अरे कहाँ चली? यही गली में एक सहेली के पास। कितनी लाज बनती है मेरी बच्ची। आओ लीलो, तुम तो इस घर से परे परे भागती हो, कभी आया जाए। अरे तुम चुप भी बैठो ना। आओ लीलो बेटी मेरे पास आ जाओ, लो चाय पियो। माँ तुम तो जबान पर ताला ही लगा देती हो, किसी से बात भी करो तो कर्फ्यू लग जाता है। अच्छा मैं बाहर जाता हूँ, घर जल्दी आ जाओ ना। हाँ माँ मैं कथा सुनने जा रहा हूँ, बस जल्दी आ जाओ। सुनाओ लीलो, खूब पढ़ाई हो रही है? चमन भी कुछ पढ़ता लिखता है या नहीं? मुझे क्या पता, मैं तो कई दिनों से उससे मिली ही नहीं। अच्छा तुम दोनों एक ही कॉलेज में तो हो? अरे अरे छोड़ो, चाची आ जाएगी, तुम वहीं आकर मिलो। मादम बाम बुलायदा होशियार, माता जी की सवारी आती है। अच्छा तो चाची मैं जाती हूँ, जरा बैठो। अभी आई हो, चल भी फिर आऊंगी चाची। हाँ लीलो बताओ बात। अजी छोड़ो, वो मैंने तुमसे मजाक किया था। बात तो जरूर कोई है, देखो तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारी आंखें खुशी से चमक रही। जब तुम सुनोगे ना तो तुम्हारा दिल भी खुशी से झूमने लगेगा। फिर टालने की कोशिश की, अब कह भी तो। मेरी मंगनी हो रही है। मंगनी किससे? है एक चमन नाम का, माँ कहती थी वो लड़का लाखों में एक है। इसमें तो कोई शक ही नहीं, लेकिन वो लड़का भी तुम्हें पसंद करता है या नहीं? अजीब, वो तो दिन रात घर के चक्कर काटता है। लेकिन अब वो घर के चक्कर काटना छोड़ देगा, इम्तहान का नतीजा निकलने वाला है और अगर उसे मुंबई से वजीफा मिल गया तो यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। ये तो खुशी की बात है। और अगर उसे मुंबई में नौकरी मिल गई तो? फिर तो क्या ही कहने हैं, उसे नौकरी मिल जाएगी वो मुझे अपने पास बुला लेगा। आज तक वो छुप छुप कर मुझसे मिलता है, फिर दुनिया से कहें कि मैं उसकी हूँ और वो मेरा। Thank you.
ये कबूल कर चुके हो कि तुमने चोरी की है, तुम्हारे कब्जे से चोरी का माल भी बरामद हो चुका है, लेकिन तुमने अपने बचाव के लिए अपनी जबान से एक लफ्ज भी नहीं कहा। तुमने जवानी की मंजिल में अभी पहले ही कदम रखा है, मुझे तुम पर रहम आता है। इंसाफ का तराजू तुम्हारी नौजवानी को देखकर जरा झुक गया है। मैं तुम्हें 6 महीने जज साहब, असली मुजरिम मैं हूँ, ये निर्दोष है, इसका कोई कसूर नहीं। लेकिन इसका जुर्म तो साबित हो, असली मुजरिम मैं हूँ जज साहब। शायद अपने बूढ़े बाप के सफेद बालों की लाज रखने के लिए यह इल्जाम अपने सर ले रहा है। असली मुजरिम मैं हूँ, चोरी मैंने की थी और मैं चोरी करने पर मजबूर था। उस वक्त मेरे सामने इसके सिवा और कोई रास्ता न था। गलत, कोई किसी को चोरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। जज साहब, जमाने की गर्दिश इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देती है। एक जमाना था जब मैं भी आपकी समाज का एक हिस्सा था। इज्जत, शोहरत, दौलत, उस वक्त सब कुछ मेरे पास था। फिर एक ऐसा वक्त आया कि तकदीर के पहिए ने करवट ली और मेरी दौलत ने मुझसे मुंह फेर लिया। इसके साथ साथ दौलत की लौंडियां इज्जत और शोहरत भी मुझसे रुखसत हो गईं, मेरे पास छोड़ गईं मेरे 3 बच्चे और एक इनकी माँ। मेरे बच्चों ने फूलों की सेज पर आंख खोली थी। बाप का दिल इन्हें जमाने की ठोकरों और पत्थरों की सेज पर ना देख सका। मैंने खुददारी का गला घोटकर उन दोस्तों के दरवाजे पर दस्तक दी जो कभी मेरे बंगले पर मेहमान बन के रहते थे, लेकिन मेरी दौलत के साथ साथ उनकी दोस्ती भी रुखसत हो गई। उनसे निराश होकर मैं बेगानों के दरवाजे पर गया, 30-30 रुपए की नौकरी के लिए मिन्नतें की, लेकिन ना तो उन्हें मेरे बच्चों पर रहम आया ना इस बूढ़े बाप की फरियादों पर। मजबूर होकर मैंने खुदकुशी की ठानी, लेकिन मेरी बुजदिली ने मुझे इस इरादे से बाज रखा। अब मेरे लिए सिर्फ 2 दरवाजे बाकी रह गए थे, एक चोरी। विठल जी, लेकिन जज साहब, जिन हाथों को मैंने भीख देने के लिए खोला हो उन्हें भीख मांगने के लिए कैसे पसारता। मैं जानता था चोरी पाप है, बहुत बड़ा पाप, लेकिन पेट की जहन्नुमी भट्टी को जो मेरे और मेरे बीवी बच्चों के साथ थी, इसकी आग को कैसे बुझाता। बरसों रातों के अंधेरे में मैं अपनी आंखों के उजालों के जिंदा रहने का सामान करता रहा। पहले ये बूढ़े हाथ कांपे, लेकिन धीरे धीरे मेरा साथ देने लगे और मैं आधी मुझ बन गया। क्या इसके बयान में सच्चाई है? पुलिस का क्या बयान है? हुजूर, यह मुमकिन हो सकता है, रात को जब मुजरिम को गिरफ्तार किया गया था तो इसकी गिरफ्तारी से पहले वहां से किसी के भागने की आवाज आई थी, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उस वक्त वहां मुजरिम ही मौजूद था। जैसा नहीं, जैसा वो मैं ही भागा था, चोरी मैंने ही की है, मैंने चोरी नहीं, मैं आपकी इस बात से बदला ले रहा था। जैसा आज की समाज की नजरों में दिल की कोई कीमत नहीं, आत्मा का कोई दर्जा नहीं। आपकी समाज इन पिताजी, पिताजी, तुम्हें बरी किया जाता है। घराना ही चोरों का है, क्यों नहीं, बुड्ढा तो बरसों से बेकार है, छोटा कॉलेज पढ़ता है, बड़ा तो है नवाब साहब,
शराब पीना, जुआ खेलना, अगर चोरी ना करे तो ये ठाट बाट कैसे चले? अरे ये तो मैं पहले ही से जानती थी। एक बार मेरी मुरादाबादी चप्पल चोरी हो गई थी, मुझे तो आज तक शक है कि उन्हीं के घर से कोई ले गया होगा। मैं जरा लीलो की माँ के पास जाती हूँ, वो भी उसकी बड़ी सहेली बनी फिरती थी। तेरी किस्मत ही ऐसी है बेटी, बड़ी मुश्किल से तेरे लिए एक वर ढूंढा था, वो भी ऐसा ना कहो माँ, इसमें चमन का क्या दोष? ना भी हो, आखिर बेटा तो उसी का है ना, शहर भर में उसी के चर्चे हो रहे हैं। क्यों लीलो की माँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं बहन, आओ बैठो। सच तो बहन, मुझे बिचारी इस लीलो पर तो तरस आता है। गऊ है लड़की गऊ, देखो ना रामलाल चोर निकला, जिधर भी निकलती हूँ उसी की बातें हो रही हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आता बहन, ये सब हुआ कैसे? अरे तुम भी बड़ी भोली हो, मैंने तुमसे कई बार कहा ये घर अच्छा नहीं, तुम अपने बुरे भले को तो समझती नहीं हो। ये तो शुक्र हुआ कि अभी लीलो की चमन से मंगनी नहीं की, नहीं तो सचमुच बिचारी का दिल टूट जाता। हाँ बहन, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। मैंने तुमसे पहले भी जिक्र किया था कि अमृतसर में मेरी मासी का लड़का है, पढ़ा लिखा है, भगवान की दया से सब कुछ है उसके पास, इन दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी बनेगी। तुम हाँ कह दो तो मैं लड़के को बुलवा कर दिखा दूँ। लीलो जरा वहाँ आओ तो। नहीं अब मैं वहाँ नहीं आ सकती। तुम्हें मेरी कसम अगर ना आओ तो। चले जाओ चमन, मेरा दिल और ना दुखा, जाओ। अपने आप ही इधर कुचल पड़े। मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी, इस वक्त जबकि पिताजी हमसे बिछड़ गए। लीलो मुझे तुमसे हमदर्दी की जरूरत थी। तुम्हें तसल्ली देने वाले तो कई मिल जाएंगे, लेकिन मेरा कौन हमदर्द है? तो इसका ये मतलब है कि तुम भी मुझसे निराश हो गई हो, तुम भी मुझे कसूरवार समझती हो। मेरे समझने या ना समझने से क्या होता है, माँ का दिल तुम्हारी तरफ से फिर गया है। मुझे तुम्हारी माँ की परवाह नहीं, दुनिया की परवाह नहीं, बस इतना बता दो लीलो कि तुम मेरी हो, तुम मुझे निर्दोष समझती हो। चमन मुझसे न पूछो, मुझे तो अपने सपने टूटते नजर आते हैं। तुम अपने आप उन्हें तोड़ रही हो, अगर पिताजी ने कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? तुम भी तो एक दिन के लिए जेल गए थे। गया था, वो मेरा फर्ज था, मैंने कोशिश की कि मेरे बाप की इज्जत बच जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। लीलो क्या तकदीर की एक छोटी सी ठोकर तुम्हें मुझसे छीन लेगी? वो वादे, वो कसमें सब टूट जाएंगी। वो दिन जिसके हम ख्वाब देखा करते थे वो कभी ना आएंगे। लीलो इस वक्त दुनिया ने मुझे पांव तले रौंदा है, तकदीर ने मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है। तुम तो मेरा साथ छोड़ के दुनिया के साथ ना हो जाओ। बस करो चमन, मैं जानती हूँ तुम निर्दोष, मैं तुम्हारे साथ दुनिया का मुकाबला करूंगी। चमन ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, यूं ही लीलो से बातें कर रहा था। बातें कर रहा था? सारा शहर मेरी हंसी उड़ा रहा है और इधर तुम्हें मोहब्बत का गम खाया जा रहा है। पिताजी तो निर्दोष थे, तुम्ही ने सारे शहर में मेरी बदनामी करवाई है। चुप रहो देव, चुप कैसे रहूं, तुम्हारी वजह से सारे शहर में मेरी मट्टी फिरीद हो रही है। ना जाने कितने जतन से अपनी इज्जत बनाई थी, लेकिन तुमने उठाकर हाथ में मिला दी। मैं खूब जानता हूँ कितनी इज्जत है तुम्हारी। अरे तुम कल के छोकरे क्या जानोगे, चलो चलो घर चलो, यहाँ वारा गर्दी छोड़ो। शुक्र है आज दोनों भाइयों को इकट्ठा देखा। मां पकड़ के लाया हूँ, हम इधर दुनिया से मुंह छुपा रहे हैं और ये बरखुरदार मोहब्बत के ड्रामे खेल रहे हैं। चुप रहो देव, जो कुछ मुंह में आता है बक जाते। इधर आओ चमन, तुम्हारे नाम का एक खत रखा हुआ है। आया माँ। कहाँ है माँ? ये लो। आ माँ बैठ। आ।
अरे माँ, मुझे बंबई से 100 रुपए महीने का वजीफा मिल गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। इसे मुझे वजीफा मिल गया भैया। अरे वजीफा क्या मिल गया, एक जन्नत की परी हाथ आ गई है क्या? तुझे दुख हुआ है? तू अनपढ़ है तो सारी दुनिया ही तो बुद्धू नहीं। माँ ऐसे वैसे वजीफे तो हमारे आगे पीछे फिरते हैं, हम तो ऐसी नौकरी करेंगे जो कम से कम गवर्नर के दर्जे की हो। माँ देव की बातें छोड़ो, ये तो हवाई कला ही बनाता रहता है। माँ मैं अभी आता हूँ। मुझे बंबई से वजीफा मिल गया है, मैं कल बंबई जा रहा हूँ। लीलू क्या पढ़ रही हो, कहीं से खत आया है? नहीं तो माँ, वो एक पुराना खत पढ़ रही थी। माँ देखो तो कौन सा खत है। वही माँ, वो जो पिछले साल कानपुर से मामा जी का आया था। अरे देखो तो सही, तेरा रंग क्यों फीका पड़ गया। अच्छा ये है तेरे मामा का खत, अखबार के सफे पर लिखा हुआ है, चमन का खत है ना। अरे कम्बख्त तुझे 100 बार मना किया है कि चोर बेटे से मिलना छोड़ दे, कलंकनी तू बाज नहीं आती। खामखा चमन को दोष न दो, ताली कभी एक हाथ से तो नहीं बचती। ये बातें अपने ही घर में रखना, समझा देना अपने बेटे को, अगर भूल कर भी मेरे दरवाजे पर कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगी। हाँ माँ कहने दो, दुनिया जो कुछ भी कहती है कहने दो, लेकिन भगवान तो जानता है हम क्या है। तुमने इस तरह क्यों किया? और तुम्हें कैसे बताता कि मुझे कल जाना है, ये तो मुमकिन न था कि तुम्हें मेरे बगैर चला जाऊं। लेकिन तुम्हें क्या मालूम कि मेरे सर पर क्या आफत आई। माँ ने तुम्हारी चिट्ठी पकड़ ली और मुझे गालियाँ दी, और अब वो तुम्हारे घर चाची से लड़ने गई। कमबख्त तू फिर यहाँ आ मरी, चल घर, तेरे सर में आग डालती हूँ आग। तुम्हें क्या हो गया चाची? चाची का बच्चा, अगर आज से मैंने लीलू के साथ देखा तो कच्चा चबा जाऊंगी। बेचारी भोली बच्ची को फरेब देकर तूने इसका सत्यानाश कर रखा है। चल अब मर भी कि दुनिया को तमाशा दिखाएगी। चल जा रहे हो,
कोई मिलने तक नहीं आया, मुझे सिर्फ तुम्हारा ही आसरा है बेटा। माँ तुम दुनिया की परवाह ना करो, मैं तुम्हारे खर्च के लिए अपने वजीफे में से कुछ ना कुछ बचा के जरूर भेजा करूंगा। जब जब जियो मेरे लाल, लेकिन मेरे लिए अपने आप पर बोझ ना डालना। भैया जाते ही खत लिखना। हाँ किशन क्यों नहीं, देखना मुझे भूल नहीं जाना। अच्छा माँ मैं चलूँ। बेटा मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ा। हाँ माँ चलो स्टेशन तक चलो। नहीं माँ मैं चला जाऊंगा, घर में कोई नहीं, देव भैया से मेरे नमस्ते कहना। कम बात, तुम्हें मिलने भी नहीं आया। कोई बात नहीं। अच्छा माँ माता जी, मैं खैरियत से हूं, यह सुनकर आपको खुशी होगी कि मुझे 100 रुपए महीने की ट्यूशन मिल गई। 100 रुपया भेज रहा हूं और इसी तरह हर महीने 100 रुपया भेजता रहूंगा। ईश्वर मुझे इस काबिल बनाए कि मैं आपकी इसी तरह सेवा करता रहूं। किशन को प्यार, देव को नमस्ते, आपका बेटा चमन। क्यों पंडित तोताराम यार, कभी हमारी नौकरी वोकरी का खतपत लाया करो ना। सरकार हाथ खड़े रहे, नौकरी करे आपसे। ये आपका एक खत है और माता जी के नाम एक मनी ऑर्डर। हाँ मनी ऑर्डर लाओ फिर। मेरे सरकार ये कायदे के खिलाफ है, माता जी को ही बुलाइए, उनके दस्तखत होंगे तभी रुपया मिलेगा। अरे यार तुम बड़े शक्की आदमी हो बरखुरदार, हम खुद ठहरे सरकारी मुलाजम हैं। लाओ हमें दे दो। अरे बाबा माता जी के दस्तखत करवा के लाता हूँ, घबराते क्यों हो। माता जी चमन का मनी ऑर्डर आया है, जरा दस्तखत कर दीजिए। बेटा जरा कलम दवात लाओ ना। लीजिए लीजिए माता जी, ये फाउंटेन पेन लीजिए। हाँ हाँ हाँ, यहाँ कीजिए माता जी। ठीक है। किशन किशन जरा आना इधर, गवाही डालना जरा। हाँ भैया यहाँ यहाँ हाँ हाँ हाँ, बस बस बिल्कुल ठीक है माता जी, बस मैं रुपया लेकर अभी आया। किससे बात कर रहे हो? कुछ नहीं माँ जी, वो मेत्रानी बख्शीश मांग रही थी। क्या हैंड राइटिंग है माँ का, हाय ग्रेजुएट मालूम होती है। हाँ भाई ले। अबे माँ के हैं यार। भाई देख तो ले जरा। अरे एतबार करना, देख ले। अच्छा भाई लो, 100 रुपए गिनो। अरे यार गिना गिनाया है हमें, तुम पे एतबार है। तोताराम क्या याद करेगा तू भी, ये ले बख्शीश। मेहरबानी साहब। अरे मेहरबानी उसकी जो घर बैठे बिठाए भेज देता है। जा मेरे यार तोताराम। चलो चल के शरबत पिए आप। भाई लोग जियो, जी भर कर जियो। अरे भाई जीने का मजा तो जब है कि सांस भी उखड़े तो झंकार में पैमानों की। अरे सेठ गिड़वानी, दौलत को तिजोरी में जमा करके क्या साथ ले जाओगे? आओ तुम्हें दौलत खत्म करने का एक नहायत ही आसान गुर बताऊं। क्या गुर है? जियो।
जी भर के जियो, गर मर्द है तो प्यारे कौड़ी न रख कफन को। अरे धर्मदास, आज ये सब सजन हमारे मेहमान हैं, इनकी खूब खातर करो। ये भी क्या याद करेंगे कि राय बहादुर देवदास से पाला पड़ा था। जो दास, वो बिल कौन देगा? अरे धर्मदास, फिर वही बिल की बात। मेरे भाई, कई बार तुमसे कहा है कि रईसों से उलझा नहीं करते। उस दिन जो एडवांस दिया था उसका क्या हुआ? वो तो कब का खत्म हो गया? अब तो तुम्हारे नाम 3 रुपए उधार के निकलते हैं। 3 रुपए? अरे यार, कोई सैकड़ों हजारों लाखों की बात किया करो। क्या 3 रुपए की बात कर रहे हो, और वो भी देवदास से? लो नकद 100 रुपया। दिल की बातें निगाह से। ये क्या है भाई? चमन बम्बई, ले माँ, तेरी चिट्ठी जा रही है बम्बई। ले, चमन को मिल गई। आ गए हो? माँ, मैं जरा लालापति मजनू की कथा सुनने गया था, इसलिए देर हो गई। अरे कभी तो अकल से काम लो, गली कूचे में बदनाम हो। जिस तरफ से निकलते हो तुम पर उंगलियां उठती हैं। आखिर तुम इस इल्लत को छोड़ क्यों नहीं देते? माँ, मुझे तो शराब के नाम ही से नफरत है। मैं तो छोटा सोडा ही पीकर आ जाता हूँ। सब जानती हूँ बेटा, कई बार समझाया है कि सौएब एक तरफ और शराब एक तरफ। अच्छा माँ, चल छोटा सोडा भी छोड़ दिया आज से। तुम क्या छोड़ोगे? घर का कुछ ख्याल होता तो 2 पैसे कमा लाते। अब तो घर का तार तार बिक चुका है। मैं कल से राय साहब के घर की नौकरी कर रही हूँ। मैं तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? और तुमने कौन से मेरे लिए खजाने भर रखे हैं? शर्म नहीं आती? नौकरी ना करूँ तो तुम्हें 2 वक्त खाना कैसे मिले? चमन भी अपनी दुनिया में मस्त है और तुम तो हो ही दुनिया से बाहर। ये एक नन्ही सी जान है जिसे भगवान ने इतनी ताकत ही नहीं दी कि मेरा बोझ हल्का कर सके। चमन के नाम जो चिट्ठी दी थी डाल दी थी। और उमेश सुनाओ भाई, दर्द फिराक का क्या हाल है? लाहौर से तुम्हारी राधा का कोई खतवत आया या नहीं? क्या पूछते हो यार, या तो राधा अपनी दुनिया में मस्त है या डाकिये को हमारे घर का पता याद नहीं रहा। भाई रमेश, अगर मेरी बात मानो तो अब शादी कर ही डालो। आखिर कब तक इस बिरह की आग में जलते रहोगे? अजी दोस्त, हम तो उसी दिन के लिए ठंडियाएं भर रहे हैं, कोई सूरत नजर नहीं आती। अब के सर्दियों में मेरा ख्याल है कि बात पक्की हो ही जाएगी। हाँ तो अपनी किताब लेते जाना, मैंने खत्म कर ली। अरे अपनी राधा का तो ख्याल रखा करो, बेचारी किताब से चिपकी हुई है। राधा की तस्वीर? हाय जालिम, मैं भी सोच रहा था कि रात मुझे नींद क्यों नहीं आई, ये तस्वीर सराहने नहीं रखी थी। और देखो चमन, अब तुम अपनी किताब खरीद लो, बुक सेलर के पास स्टॉक आ गया है। रमेश, बुक सेलर का तो एक बहाना था, दरअसल इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि मैं अदा नहीं कर सकता। ये कीमत की भी एक ही कही, 100 रुपए महीना वजीफा मिलता है, 100 रुपए की ट्यूशन करते हो और फिर भी रोते हो। कोई बिल्डिंग बनाने का इरादा है? बिल्डिंग तो नहीं, एक झोंपड़ी की गिरती हुई दीवारों को खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम नहीं जानते रमेश, मेरी माँ ने कितने दुख दर्द सह के मुझे तालीम दिलवाई है। मेरा फर्ज मुझे मजबूर करता है कि मैं उसकी बेहद खिदमत करूं, उसकी अनथक मेहनतों का कुछ तो बदला चुका हूं। फिर ख्यालों में डूब गए। न जाने क्या कुछ कह गया। रमेश, तुम किस तरफ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूं। क्यों? तो लगे हाथों ये मनी ऑर्डर करते। अरे दरवाजे पर तेल छिड़को, देखो तो सही कौन आया। क्या है बहन? अरे होगा क्या, तुम्हारे घर चांद आया है। चांद जुग जुगा, बैठो बैठो बेटा। देख लिया, जैसा सुना था वैसा ही निकला ना। अमृतसर में वो ठाट बाट है कि रईसों के भी न होंगे। अरे दरवाजे पर हाथी झूलता है, हाथी। बहन मुझे तुम्हारे पे विश्वास है, लीलू जैसे मेरी बेटी है वैसे ही तुम्हारी। कहाँ है मेरी लीलू? जरा उसे बुलाओ ना। जरा उठो,
देखो कहाँ है। यही कहीं होगी, अभी लाती हूँ। अरे लीलो, तेरी मासी आई है। अरे लीलो, दरवाजा खोल। अरे पगली, ये क्या बचपना है। हाय राम, तुम ये खत देखते ही चले आओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी लीलों को जमाना तुमसे जुदा करते। मुबारक मुबारक मुबारक। चमन यार, तुम बड़े खुश नसीब हो। इधर इम्तिहान खत्म हुआ, उधर नौकरी मिल गई। इसे कहते हैं किस्मत का धनी। यार हम तो ना जाने कब तक कॉलेज के स्कूलों में जोते जाएंगे। मेरी जन्म पत्री में लिखा है कि मैं तमाम उम्र स्टूडेंट ही रहूंगा। चमन, कभी कभी कॉलेज का चक्कर लगाते रहना, मैं हमेशा यहीं मिलूंगा। जरूर जरूर, जब मेरे बच्चे इस कॉलेज में पढ़ने आएंगे ना, तुमसे कह दूंगा कि चाचा से मिलते रहना। अच्छा भाई, हम तो चलें। अच्छा भाई, तुम घर कब जाओगे दोस्त? रमेश, बस यही अफसोस है कि अब मैं घर ना जा सकूंगा। क्यों? फौरन नौकरी पे हाजिर होना है। मेरी माँ मेरे लिए कितनी बेकरार होगी, बेचारी गिन गिन के दिन काट रही होगी। मैं उसे एक रुपया महाना भेजता रहा, अब हमारे घर की हालत बहुत अच्छी होगी। नया फर्नीचर आ गया होगा, मेरी बैठक सजी होगी, अब घर पहले सा घर ना होगा। मेरी माँ के चेहरे पे कितनी मुसर्रत होगी। मेरा घर, मेरा घर। साथ चिट्ठी आपकी, शायद माँ का खत है। क्या बात है चमन, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? कुछ नहीं रमेश। कोई बात तो जरूर है, बताओ ना। क्या बताऊं, खुशी के साथ साथ गम भी पीछा कर रहा है। लीलो का खत। क्या बात है चमन, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? कुछ नहीं रमेश। कोई बात तो जरूर है, बताओ ना। क्या बताऊं, खुशी के साथ साथ गम भी पीछा कर रहा है। लीलो का खत। मैं घर जाऊंगा। और नौकरी का इंतजाम कर लूंगा। रमेश, जरा इस बात मानने में मेरी मदद तो करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं।